सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्रूफ करना है हमको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। जैसे सेक थीटा को डिवाइड में अगर डालते हैं तो वन बाई कॉस थीटा होता है, और कॉसेक जो होता है हमारा वन बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लेके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो सेक थीटा मैं इसको लिखता हूँ वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लिख देता हूँ वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, वन डिवाइड कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखता हूँ वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखता हूँ वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इफ्रेज फ्रैक्शन में इसको अगर ऐड करना तो क्या निकालते हैं, एलसीएम लेके नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है इसका इसके साथ इसका इसके साथ, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर पहले जो हमारा कॉस वही, चलो एक मिनट ना, ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, एक के साथ इसका इसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा का मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वन से करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा का वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वन से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन। तो ये दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ वन, और ये दोनों तो सेम टू सेम रहेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या वन को मैं कितने बार लिख सकता हूँ, वन इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, वन इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है ना, साइन है तो वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ प्लस माइनस नहीं है ना, मल्टीप्लाई है बिन, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताया था वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइड में ऊपर जाएगा बन जाता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया ये हमारा, ये था, ठीक है। इससे हम लोग को ये प्रूफ करना था, प्लस में था इसको मल्टीप्लाई में, देखो प्लस वाला मल्टीप्लाई हो गया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू राइट आर एच एस, प्रूफ। फोर्थ तो हमारा हो चुका था, फिफ्थ देखते हैं, थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहाँ प्रूफ करने नहीं बोला है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है इसको। क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, शॉर्ट आंसर का ना, शॉर्ट आंसर फाइव, थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस वन, यहाँ को प्रूफ करने नहीं बोला क्वेश्चन में, प्रूफ जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, प्रूफ करने बोला था थ्री में, वैसे फाइव में प्रूफ करने नहीं बोला, थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिर, ठीक है। अब ये तो टेन को सेक स्क्वायर में चेंज कर लो या सेक को टेन स्क्वायर में चेंज कर लो, ये दोनों को कहीं ना कहीं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे वन बाई सेक होता है तो कॉस थीटा ये हो जाता हमारा, जैसे हमारा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
मैं सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखता हूँ, टेन स्क्वायर प्लस वन, या टेन स्क्वायर थीटा में क्या लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, मैं वैसे सेक को चेंज करता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है, ये चेंज कर देते हम लोग, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, थ्री टेन स्क्वायर थीटा टू का टू, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसकी जगह ये लिख दिया मैं यार प्लस वन का प्लस वन, यहाँ लिखता हूँ मैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है। ठीक है, थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू कैसे मल्टीप्लाई तो टू टेन स्क्वायर थीटा, टू का वन से मल्टीप्लाई टू वन जा टू प्लस वन, टू का टेन स्क्वायर थीटा तो टू टेन स्क्वायर थीटा टू वन जा टू हो गया। ठीक है, अभी इधर जाएगा तो थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये इधर जाएगा तो ये प्लस वाला जो है टू टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इक्वल टू इधर चला गया, इक्वल टू इधर बचा, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री। अब थ्री में से मैं टू को माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा वन टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा थ्री। अब यहाँ से टू है, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाया मैं, अंडर रूट लग गया उसमें, यहाँ पे अंडर रूट थ्री लग गया। अब टेन के टेबल में आप देखोगे तो अंडर रूट थ्री किसका है, सिक्सटी का, टेन सिक्सटी का है, तो टेन से टेन कट गया, थीटा इक्वल टू सिक्सटी। रूट थ्री को मैं टेन सिक्सटी को रूट थ्री लिख सकता हूँ, रूट थ्री को टेन सिक्सटी लिख सकता हूँ, टेबल में बना हुआ है। ठीक है, टेबल आपको सिखाऊंगा, टेन से टेन कट जाए तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, सिक्सटी। ये थीटा की वैल्यू निकाल दिए। फाइव के बाद हम लोग सिक्स ऑलरेडी बना चुके हैं, सेवन बना चुके हैं, एट बना चुके हैं, नाइन्थ बनाते हैं। तो नाइन में दिया है वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा, सेम इसी में यहाँ पे माइनस का साइन देखिए, यहाँ पे माइनस नीचे में प्लस, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। जब भी देखो ये दोनों सेम सेम दिखता है ना, तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है, फोर कॉट थीटा कॉसेक थीटा, फोर कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो फ्रॉम प्रूफ करना तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके बनाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ये दिया हुआ है वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक माइनस है एक प्लस है, जब एलसीएम निकालते थे दोनों दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इधर से जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता क्या होगा, वन माइनस कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया। चलो पहले मैं इसी को सॉल्व करके बताता हूँ, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस, या माइनस है तो बीच में टू ए बी माइनस में प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ए माइनस बी एक माइनस में और एक प्लस में है, तब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, तो देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन स्टेप तो डिवाइड कर लिया हम लोग, अब ऊपर करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया,
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा दोनों सेम है मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको सोचता हूँ वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी है ये भी है, जैसे फाइव इंटू फाइव करने से क्या था, फाइव का स्क्वायर, ऐसे वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। इसी तरह से वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, बता रहे जैसे फाइव इंटू फाइव करने से फाइव का स्क्वायर, वैसे ये दोनों माइनस माइनस वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जाएगा ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या होता है ये प्लस टू ए बी, तो टू ए की वैल्यू तो वन है, तो बी की वैल्यू कौन सी, टू ए और ये बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी माइनस है तो माइनस ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लगते चलो ए की स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया वन का स्क्वायर माइनस टू ए, ठीक है, टू लिखे ए और ये बी है बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। वन का स्क्वायर वन प्लस टू वन जा टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन बदल जाता है, जैसे ये माइनस प्लस माइनस, वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, टू कॉस थीटा जाएगा, टू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखना ये प्लस वन में है, ये माइनस में कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो गया, टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा, बन जाएगा फोर कॉस थीटा, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ कॉस एक बार है, साइन दो बार है, तो मैं साइन को एक अलग अलग कर देता हूँ, देखना फोर को अलग कर दिया, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और एक बार अलग से साइन थीटा, साइन थीटा दो बार है तो दो बार लिख दिया मैंने, ये कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है, फोर का फोर कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या बन जाता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, ये हो गया कॉट थीटा, ऐसे साइन थीटा ऊपर जाता तो बन जाता हमारा कॉसेक थीटा। तो मैं देता हूँ ये कहाँ से आया है, कॉस थीटा बेटा सर, कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, वैसे वन डिवाइड बाय साइन थीटा, अब यहाँ कुछ मतलब वन ले लो फोर ले लो कुछ भी ले लो, कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ले लेते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन, ये हमको साइन पावर में फोर थीटा माइनस
कॉस पावर में 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पावर 4 को स्क्वायर में बदलना है, ठीक है, फ्रॉम इसको प्रूफ करने की करना है, इसको प्रूफ करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से लेके बना रहे हैं, ठीक है। साइन पावर में 4 थीटा माइनस कॉस पावर में 4 थीटा, ठीक है। अब पावर में 4 वाला फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े नहीं थे, यहाँ पावर में क्या हो 4 हो, हम लोग हमेशा स्क्वायर 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 देखें, पावर में 4 तो देखे नहीं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अरे पावर 2 2 4, सेम वैसे कॉस स्क्वायर थीटा पावर में 2, 2 2 4 हो गया, ये भी 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, मान के चलो पूरा ये ए है, ए स्क्वायर है माइनस ये पूरा बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ ठीक है, ए माइनस बी, ये पूरा ए है ना, पूरा ए बी फिर ऐसे ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पता है ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, मेरा मेन फॉर्मूला, सबसे मेन फॉर्मूला जो हमारा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया इसकी वैल्यू 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो वही जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया आंसर, ये प्रूफ करना था, आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड रूट, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट साइन 4 ए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट आंसर, हाँ वो जब तक पढ़े थे वेरी शॉर्ट आंसर था, वो अभी शॉर्ट आंसर है, इतने जब पढ़े थे ना वेरी शॉर्ट था, वेरी शॉर्ट में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे वैसे, अब हम लोग शॉर्ट आंसर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमको, साइन साइन पावर में 4 ए कॉस कॉस पावर 4 ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है।